इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। देश में फैल रहे कोरोना वायरस का डर सभी लोगों के दिल में है, जिस कारण लॉकडाउन भी लगाया गया है और लोगों को घर में रहने की सलाह भी दी गई है। इसी बीच मेरठ में एक अद्भुत विचित्र नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के पास महरौली गांव में विचित्र चमगादड़, जिनका साइज लगभग 2-2 फुट है, लगातार 2 दिन से 3-3 की संख्या में ये चमगादड़ तालाब के पास मरे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गांव वालों में एक भय उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें, आज तक मेरठ में कभी 2 फुट का चमगादड़ नहीं देखा गया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने भी मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आज तक उन्होंने भी इतना बड़ा चमगादड़ नहीं देखा, लेकिन मेरठ में लगातार 2 दिन से मिल रहे 2 फुट का चमगादड़ कौतूहल का विषय बना हुआ है। गांव वालों में इन चमगादड़ों की वजह से एक अजीब सा भय उत्पन्न हो गया है। उनको लगता है शायद यह चमगादड़ चाइना से आए हैं और इनमें वायरस भरा हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर आकर जांच की तो वह भी चमगादड़ देखकर हैरत में पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर का कहना है कि आज तक उन्होंने भी इतना बड़ा चमगादड़ पहले कभी नहीं देखा था। चमगादड़ का साइज 2 फुट है और लगातार परतापुर थाना क्षेत्र के महरौली गांव में एक तालाब के पास 2 दिन से 3 की संख्या में यह चमगादड़ मरे पड़े मिल रहे हैं। इन चमगादड़ को लेकर गाँव वाले काफी भयभीत है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच कराई जाएगी। आखिर इतने बड़े चमगादड़ मेरठ में कहां से आए, कहीं इनमें वायरस तो नहीं भरा है। मेरठ से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका, क्या पद है बताइए? मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है और मैं पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर। डॉक्टर साहब, क्या सूचना मिली आपको और आप मौके पर आए? मुझे करीब करीब 1 घंटे पहले सूचना दी थी प्रधान जी ने, जो महरौली के प्रधान है गंगा जी, उन्होंने बताया, गंगाराम जी, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तालाब के पास में कुछ चमगादड़ मतलब उनके शव मिले हुए हैं। तो मौके पर हमने पहुँच कर देखा है तो सब पड़े मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कल 3 या 4 चमगादड़ कल उसी जगह पर मिली थी, उसके आसपास के एरिया में, और हम इसकी अब जानकारी कर रहे हैं। और हमने इसकी सूचना जो DFO मैडम है, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, उनको दे दी है और अपने उस अधिकारी को तलब कर दिया है। अब जो अधिकारियों को जो आदेश होते हैं उसके आधार पर क्या की कार्रवाई। अच्छा डॉक्टर साहब, चमगादड़ आम चमगादड़ के मुकाबले देखने में कितने विचित्र है? लेकिन जो हम आम चमगादड़ जो देखते हैं अपने क्षेत्रों में भी देखते हैं, अपने घर के आसपास भी देखते हैं, उसके कंपैरिजन में ये चमगादड़ कम से कम 1.5 से 2 गुनी बड़ी है। तो थोड़ा सा एक संशय वाली स्थिति बन रही है, तो जो कि लेकिन अब टीम आएगी और जो लोग निर्धारित करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके आधार पर हम जो है आगे कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमने निरीक्षण कर लिया है इसी। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका, क्या पद है बताइए? मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह है और मैं पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर। डॉक्टर साहब, क्या सूचना मिली आपको और आप मौके पर आए? मुझे करीब करीब 1 घंटे पहले सूचना दी थी प्रधान जी ने, जो महरौली के प्रधान है गंगा जी, उन्होंने बताया, गंगाराम जी, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर तालाब के पास में कुछ चमगादड़ मतलब उनके शव मिले हुए हैं। तो मौके पर हमने पहुँच कर देखा है तो सब पड़े मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कल 3 या 4 चमगादड़ कल उसी जगह पर मिली थी, उसके आसपास के एरिया में, और हम इसकी अब जानकारी कर रहे हैं। और हमने इसकी सूचना जो DFO मैडम है, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, उनको दे दी है और अपने उस अधिकारी को तलब कर दिया है। अब जो अधिकारियों को जो आदेश होते हैं उसके आधार पर क्या की कार्रवाई। अच्छा डॉक्टर साहब, चमगादड़ आम चमगादड़ के मुकाबले देखने में कितने विचित्र है? लेकिन जो हम आम चमगादड़ जो देखते हैं अपने क्षेत्रों में भी देखते हैं, अपने घर के आसपास भी देखते हैं, उसके कंपैरिजन में ये चमगादड़ कम से कम 1.5 से 2 गुनी बड़ी है। तो थोड़ा सा एक संशय वाली स्थिति बन रही है, तो जो कि लेकिन अब टीम आएगी और जो लोग निर्धारित करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके आधार पर हम जो है आगे कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमने निरीक्षण कर लिया है इसी।